आयुर्वेद का एक बहुत अच्छी क्रिया जिसको शिरोधारा बोलते हैं, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आजकल तो इसको लोग लग्जरी ट्रीटमेंट में भी लेते हैं और हैवी लग्जरी ट्रीटमेंट में, साथ में इसका बेनिफिट बॉडी के लिए है जहां उतना माइंड के लिए भी है और अच्छा भी लगता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग तरह के द्रव्य हो सकते हैं। तेल इसके लिए विशेष इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी मट्ठा हो सकता है, त्रिफला हो सकता है, आंवले का पानी हो सकता है और कई जड़ी बूटी का उसका काढ़ा होता है। तो इसके अंदर उसको भर देते हैं, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर उसको रिकमेंडेड होता है, उसमें टेम्परेचर में नीचे एक धार लगातार सर के आगे चक्र के आसपास, माथे के आसपास वहाँ लगातार धार पड़ती है और वो पूरे के पूरे सर वाले भाग पे पूरे पे रेडिएट होता है। यहाँ से होता क्या कि यहाँ पे जो सर वाला जो पार्ट है, यहाँ जो इसके पास आज्ञा चक्र होता है और ब्रेन जो होता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस, वहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और ये जो ग्लैंड्स और जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम बॉडी का वो सही करते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है उसकी एनर्जी बैलेंस होती है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है, या आपका वात पित्त कफ का बराबर संतुलन होता है आयुर्वेद के हिसाब से। जो तेल की तैयारी होती है इसमें वात पित्त कफ का भी ध्यान रखा जाता है नाड़ी के हिसाब से। तो तेल या जो द्रव्य वो तैयार होता है शिरोधारा का, और ब्यूटीफुल क्रिया है, अद्भुत क्रिया है। केरला में इसका बड़ा प्रचार हुआ और अंग्रेज़ लोग या बहुत सारे लोग आते हैं इसमें, इसको शिरोधारा को लेने के लिए। और ये योगांचल में भी एक इसका है क्रिया शिरोधारा की, तो बहुत अच्छी क्रिया है। कभी आप इसको ज़रूर एंजॉय करें, तकलीफ़ है तो ले सकते हैं, नहीं है तो भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।